छः जून के श्री धर्म अवसर का स्वागत है। परमात्मा पिता कहते हैं स्वराज्य अधिकारी मतलब स्व के ऊपर राज्य करने वाले के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भवा। इजी योगी बनना है तो परमात्मा से योग लगाना, तो बाकी चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। निरंतर योगी बनना है तो अपने 5 सेंसेस से और साथ ही साथ 5 सेंसेस से दिखने वाले लोग व्यक्ति वस्तु वैभवों से अट्रैक्शन में होना चाहिए, तब जाके निरंतर योगी। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य है, आके वही देखें जो देखना चाहें, बोलें जो बोलना चाहें, सुने जो सुनना चाहें स्पिरिचुअली। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्री पर अपना राज्य है, कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियाँ धोखा ना दें, मतलब कि थॉट्स में भी आप ये ना देखो कि आप मुँह से कुछ कर रहे हो, ऐसी चीज़ें बोल रहे हो, या आप आंखों से गंदी चीज़ें देख रहे हो, मुख से गंदी चीज़ें बोल रहे हो, कान से गलत सुन रहे हो, ये भी आपको सपने में भी ना आए। लेकिन तो परमात्मा कहते हैं कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। कभी थोड़ा भी देह अभिमान फिजिकल अभिमान आया तो जोश, मैं करके दिखाऊंगा वो कैसे समझते अपने आप को ये शब्द बोलना, जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी हैं वे सदा निरहंकारी, उनके अंदर अहंकार नहीं होता, हम्बल, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं, ह्यूमन ह्यूमिलिटी के द्वारा विदाउट ईगो करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का मेरे कर्मेंद्र पर कंट्रोल है, मैं सोच समझ करके बोलता हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत, सो जगत जीत बनो, तो सहयोगी निरंतर योगी बन जाएंगे। इस नशे क्या नशा कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, और निश्चय भी होना चाहिए इस चीज़ पर से शक्तिशाली बन माया जीत, मतलब कि अपने अंदर के विकारों के ऊपर जीत, जो कि इन कर्मेंद्रों को चला नहीं सकते, अब गुण और शक्ति इन कर्मेंद्रों को चलाएंगी। सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। ओम शांति।